हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। तो गाइस, सीबीएसई बोर्ड क्लास नाइन्थ में हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ये चैप्टर का बेसिक क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो आगे चलने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें, आप वीडियो को देख सकें। तो गाइज, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ डेफिनेशन जान लेनी चाहिए कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेनी चाहिए हमें। तो अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा। डेटा और इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट्स करती है। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, इसमें डेटा को स्टोर करने की एबिलिटी होती है, इन्फॉर्मेशन को बार बार आपको प्रोवाइड कराने की एबिलिटी होती है, एंड प्रोसेस डाटा, और डाटा को प्रोसेस करने की ये सारी एबिलिटी इसके अंदर होती हैं। तो मतलब जानना चाहिए, मतलब ये है कि हमारा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो आपके डाटा को सही तरीके से आप तक पहुँचाती है, बार बार पहुँचाती है, और आपके डाटा को स्टोर करती है, और डाटा अगर आप कई टुकड़ों में दें उसको भी एक करके एक बार में ही देती है। ये सब एक कंप्यूटर की डेफिनेशन में ही आ जाते हैं। उसके बाद चलते हैं डेटा प्रोसेसिंग इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो डाटा प्रोसेसिंग हमारा कि क्या है, मेटल मतलब मेरे मैटर है आईपीओ मॉडल। तो कंप्यूटर बनाया है वो आईपीओ बेस पे बना हुआ है, मतलब आपको मतलब इनपुट होना है, डेटा को प्रोसेस होना है और आउटपुट होना है। तो इसको वन बाय वन समझ लेंगे कैसे कैसे क्या क्या होना है। तो द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग डेटा इंटू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। मतलब आपका जो डेटा है वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होना। आप डेटा कौन सा भी हो सकता है, आपका डेटा चाहे न्यूमेरिक भी हो सकता है, 1 2 3 5 एक्सट्रा हो सकता है, एबीसीडी हो सकता है, कोई भी डेटा आपका हो सकता है, वो एक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना हमारा डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन, मतलब आप रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड बनवा रहे हैं, तो रिपोर्ट कार्ड में आपको पहले नेम चाहिए वहाँ पे, फिर मार्क्स चाहिए, और मार्क्स होने के बाद आपकी परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज से पहले टोटल भी होता है। तो ये सब होने के बाद हमारा एक डाटा हमें एक इन्फॉर्मेशन के रूप में मिल जाता है कि ये करके हमें प्रॉपर हमें क्या मिल गया, एक रिजल्ट मिल गया, ठीक है। तो इस तरह हमारा डाटा प्रोसेसिंग काम करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, द डेटा इन इट्स रॉ फॉर्म इज द इनपुट। देखो, जो डेटा देते हैं वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं, लेकिन वो रॉ फॉर्म में होता है। द प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड एज आउटपुट। और जो डेटा प्रोसेस हो जाता है, मान लीजिए हमने इतना सारा काम किया, रिपोर्ट कार्ड आपको मिल जाएगा बनके, तो वो क्लियरली हो जाएगा कि आपका बन गया है, तो वो एक आउटपुट फॉर्म में होगा, और आउटपुट फॉर्म हमारे किसी ना किसी डिवाइसेस के थ्रू होगा। एंड द प्रोसेस फॉर्म द आईपीओ साइकिल। और जो डेटा बन रहा है उसका प्रोसेस जो है वो हमारा एक आईपीओ फॉर्म में हो जाएगा। तो द डिफरेंट टाइप इन्वॉल्व आर। तो इसमें कुछ डिफरेंट टाइप हैं, लेकिन उससे पहले मैंने एक डायग्राम दिया है। डायग्राम में आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर यहाँ इनपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस कई हैं, आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन किसी भी इनपुट डिवाइस से हम कंप्यूटर में डेटा देते हैं तो वो सीपीयू में पहुंचेगा। सीपीयू में कई सारे हमारे कंपोनेंट होते हैं, वो प्रोसेस करेंगे और वो किसी आउटपुट डिवाइस के थ्रू दे देंगे। तो इन चीज़ को हम क्लियर करेंगे, यही हमारा आज का फंडामेंटल है इस चैप्टर का। तो इनपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, वेरियस इनपुट डिवाइसेस लाइक ए कीबोर्ड। कई सारे इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक एक्सेट्रा आर यूज टू एंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर। मान लीजिए आपको बस इतना ही सेंस लगाना है कि मान लीजिए हमारे पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आप डेटा किसके थ्रू दे रहे हो, कौन सी डिवाइसेस है, जो डिवाइस के थ्रू दे रहे हो वही हमारी इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। तो इसमें हमारा कीबोर्ड से आप डेटा देते हो, माउस से देते हो, या जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए यूज होता है, इन सबसे आप डेटा देते हो, तो इस तरह ये हमारी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस का क्या मैटर होता है, भाई जो काम कर रहे हो उसका प्रोसेस तो होना है ना, लेकिन ये सीपीयू का काम होता है। इन दिस स्टेप, इस स्टेप में द इनपुट डेटा इज प्रोसेस्ड। इनपुट डाटा प्रोसेस होता है अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब आपको कई सारे काम उसको करने को देते हैं, ये प्रोसेस होता है, गिवेन टू अ प्रोसेसर टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट। और ये क्या है, प्रोसेसर, मतलब ये जो डाटा है वो प्रोसेसिंग में जाता है, और जो भी हमें रिक्वायर्ड होती है आउटपुट को मिल जाता है, वो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यही प्रोसेसिंग है। कुल मिला के ये है कि आपको यहाँ पे एक टी बनानी है, ओके। तो यहाँ पे जब आप टी बनाते हो तो टी बनाने के लिए आपको कई सारी चीज़ की ज़रूरत है। तो कई सारी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे हमारी चाय पत्ती है, हमारी शुगर है, ओके, और शुगर के साथ
मिल के हो जाता है, ये सब मिलाएंगे ठीक है। इन सबको मिला के जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस होगा पूरे एक टी का, टी आपको मिल जाएगी। तो ये प्रोसेसिंग ही हमारा ये प्रोसेस होता है कि आपका डेटा जो कम्प्लीटली बन रहा है वो किसी इस प्रोसेसिंग के थ्रू ही बन रहा है। ओके, तो ये होप सो कितना सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि आपकी प्रोसेसिंग क्या होता है। चलिए ये सब हम क्लियर कर देते हैं और उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या मैटर है। उसके बाद हमारा आउटपुट, तो सिंपल सी बात है कि आउटपुट क्या होता है, जो भी आप काम करा रहे हो वो काम का रिजल्ट आपको मिल जाता है, वही हमारा आउटपुट कहलाता है। लेकिन ये रिजल्ट हमें किसके थ्रू मिलना चाहिए, ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मिलना चाहिए। आउटपुट डिवाइसेस हमारे जैसे मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे ये कैसे कैसे क्या क्या होते हैं। मतलब यूजर्स को अपना डेटा वापस मिल जाए, एक फॉर्म में मिल जाए, वही आपका हमारा आउटपुट होता है, लेकिन वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मिलना चाहिए। होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की कुछ विशेषता हैं, कुछ विशेषता नहीं, कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषता हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहले हम स्पीड की बात करने वाले हैं। तो यहाँ स्पीड की बात करें तो एक कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट होता है किसके मुकाबले, एक ह्यूमन बींग, एक इंसान के मुकाबले बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। द प्रोसेस स्पीड ऑफ द कंप्यूटर इन द रेंज ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। कंप्यूटर मिलियंस इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में, मतलब एक सेकंड में मिलियंस इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर ले सकता है, जो इंसान नहीं कर पाता। इसलिए इसको स्पीड में कहा गया कि इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, और आजकल तो इसकी स्पीड दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। एक्यूरेसी की बात करें तो कंप्यूटर हमें कोई रिजल्ट देता है। मान लीजिए हमने कंप्यूटर को कोई भी हमने इनपुट दिया, तो इनपुट देने के बाद हमें यहाँ से रिजल्ट मिलता है, तो और जो रिजल्ट मिलता है वो सही से मिलता है। वैसे तो ये है कि जो डेटा आप देते हो, सही डेटा दोगे तो आपको सही मिलेगा, गलत डेटा दोगे तो आपको गलत मिलेगा। तो ए कंप्यूटर विल गिव यू एक्यूरेट रिजल्ट इफ द इनपुट प्रोवाइड टू देम इज एक्यूरेट एंड रिलायबल। अगर आप सही डेटा देते हो तो आपको सही डेटा मिल जाएगा, यही हमारे कंप्यूटर की एक्यूरेसी है। डिलीजेंसी की बात करें तो डिलीजेंस के मतलब होता है बिना थके काम करना, ठीक है। तो यहाँ बिना थके काम करना की बात करें तो कंप्यूटर बिना थके काम करता है हमारा, और ये कई घंटे तक यानी मेनी आवर्स तक कंटिन्यूसली वर्क कर सकता है, और इसको किसी रेस्ट की जरूरत नहीं होती, और काम करते करते इसकी स्पीड भी कम नहीं होती है। एक्यूरेसी एंड इफिशेंसी, इट इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, और ये थकावट से दूर रहता है, ये थकावट में नहीं आता है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो आजकल कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। आप अपने मोबाइल फोन चला रहे हो, मोबाइल फ़ोन में अब 128 GB मेमोरी आने लग गई है मेमोरी, तो यहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी कंप्यूटर में। कंप्यूटर तो एक मोबाइल से बड़ी डिवाइसेस है, तो यहाँ पर बात करते हैं ना, कंप्यूटर हैज़ लार्ज मेमोरी विच कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। कंप्यूटर में एक लार्ज मेमोरी होती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। वर्सेटाइलिटी की बात करें तो इसका मतलब होता है एक साथ कई काम करना। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि आपके अंदर वर्सेटाइलिटी भी है, देखिए आप व्हाट्सएप भी चला रहे होते हैं, ठीक है, फेसबुक ऐप भी चला रहे होते हैं, और टीवी भी देख रहे होते हैं, और यहाँ पर आप खाना भी खा रहे होते हैं, इतने सारे काम अब जब एक साथ कर सकते हो तो कंप्यूटर को नहीं कर सकता। कंप्यूटर को तो एक साथ कई काम करने के लिए ही बनाया गया है। तो कंप्यूटर कैन बी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क एट ए टाइम। अब डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क कौन से हो सकते हैं कि आप प्रिंट भी दे सकते हो एक बार में ही, एक बार में आप प्ले सॉन्ग कर सकते हो, या वीडियो भी प्ले कर सकते हो, गेम भी खेल सकते हो, और कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हो, तो ये सब आप काम एक बार में कर सकते हो, यही वर्सेटाइलिटी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हार्डवेयर की, हार्डवेयर क्या क्या होते हैं। तो कंप्यूटर भी पूरा हार्डवेयर पार्ट से बना हुआ है, और कई सारे हार्डवेयर होते हैं यहाँ पर। हार्डवेयर आर दोज कंपोनेंट दैट वी कैन फील। हार्डवेयर वे कंपोनेंट होते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो यानी जब भाई जिस चीज़ को तुम टच करोगे वो तो फील होगी होगी। तो हार्डवेयर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द इनपुट डिवाइसेस, और इसमें बेसिकली इनपुट डिवाइसेस आती हैं, द आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइस होती हैं, स्टोरेज यूनिट होती है, एंड द प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट भी होती है। सम ऑफ दी आर और दी गई है यहाँ पर, आप देख सकते हो हार्डवेयर में ये पूरा का पूरा पार्ट हार्डवेयर में आ जाता है। यहाँ हम बात करें SMPS की बात करें यहाँ पर, और आप देख सकते हो मदरबोर्ड, प्रिंटर, ये बहुत सी सारी चीज़ें हमारी हार्डवेयर में आ जाती हैं। यहाँ से सॉफ्टवेयर में कोई भी चीज़ नहीं है। आप देख सकते हो ये माउस है और पेन ड्राइव, सब कुछ हार्डवेयर में ही आ जाता है। हार्डवेयर का ही पूरी पिक ली हुई है मैंने। चलिए तो आगे देखते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड के बारे में बेसिक जानकारी हमारी ये है, कीबोर्ड में हमारे एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में हमारे 104 की होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले जान लीजिए कंट्रोल की, ठीक है, कंट्रोल की मैंने यहाँ दिया हुआ है। तो एस्केप की आ जाती है कंट्रोल में, और आप देखते हैं यहाँ शिफ्ट की, कंट्रोल की, ऑल्ट की, ये हमारी कंट्रोल की हो जाती है, और यहाँ भी दी हुई हैं ये हमारी कौन सी की हैं, हमारी कंट्रोल की हैं। उसके बाद करते हैं फंक्शन की। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि F1 से लेके F12 तक जो की होती हैं वो हमारी फंक्शन की होती हैं। अल्फ़ाबेट की,
ए टू जेड होती हैं हमारी अल्फ़ाबेट की, न्यूमेरिक की जीरो से लेकर नाइन तक होती हैं। अब बात की बची नेविगेशन की, नेविगेशन की है या अप करना है, डाउन, लेफ्ट, राइट, ये सब हमारी नेविगेशन की होती है, या फिर हमें डिलीट करना है या इंसर्ट करना है होम पेजेस, ये सारी की आप एक बार अपने कीबोर्ड में देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी ये सब हमारी कौन सी की होती है, नेविगेशन की होती हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ की, तो आप फाइव टाइप लिख दीजिएगा इसमें, बेसिकली फाइव टाइप होते हैं, लेकिन अगर हम और भी ज़्यादा आगे जाएँ तो हमारे सिक्स टाइप भी हो सकते हैं। माउस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो आपको क्या करती है, कोई भी ग्राफिकल काम करने के लिए यूज करती है, या फिर आप डेस्कटॉप पे भी माउस के थ्रू ही काम करते हो, आइकन को ओपन करते हो, ठीक है। तो ये सब हमारा माउस के ही थ्रू काम होता है, और माउस तो आपने देखा ही होगा, फ्री मैंने यहाँ डायग्राम दे दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि माउस जो दिया हुआ है, माउस में एक लेफ्ट क्लिक होती है, एक राइट क्लिक होती है, बेसिकली लेफ्ट क्लिक ज़्यादा यूज होती है और राइट क्लिक बहुत कम यूज होती है, ओके। अब बात यहाँ स्क्रॉल है, ये पहिया टाइप का होता है यहाँ पर, तो आप इस स्क्रॉल को चलाएंगे तो स्क्रॉल चलाने से क्या होता है कि पेज बड़ा होता है तो वो अप डाउन होता है, ओके। यहाँ पर स्क्रॉल अप डाउन करने के लिए, मतलब पेज अप डाउन करने के लिए हमें यहाँ स्क्रॉल का यूज किया जाता है, ओके। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, क्लियर हो चुका है। इसके साथ कहते हैं ग्राफिक टैबलेट, ग्राफिक टैबलेट हमारा ये मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ बनाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे ये ग्राफिक टैबलेट देखा होगा तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो यहाँ पे आपको ये प्लेट टाइप की दिख रही है, ये पूरी टच पैड है, ठीक है। यहाँ पे आप टच करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये समझ लीजिए कि ये इतना स्क्रीन एरिया है आपका, जहाँ भी आप यहाँ पर टच करेंगे वो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा, और ये हमारा पेन है, इस पेन के थ्रू ही टच होगा यहाँ पर, आप फिंगर वर्क नहीं करेगा, सिर्फ यही पेन ही काम करेगा, कहने के लिए स्टाइलस भी कह सकते हैं इसको हम। स्कैनर की बात करें तो स्कैनर एक हमारी ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम कोई भी इमेज है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है, इसको हम स्कैन करा के हम अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है, ओके। और ये जब हम स्कैन करके, जब कोई डेटा, मैंने अभी बताया था आपको कि कोई भी डेटा कंप्यूटर में जा रहा है किसी भी डिवाइस के थ्रू, वही इनपुट डिवाइस कहलाती है। तो डाटा हमारा कंप्यूटर में, जैसे कि कोई इमेज मैंने यहाँ पे स्कैन कर ली है, और इस इमेज स्कैन करके कंप्यूटर की तरफ जा रही है, कंप्यूटर में सेव ही तो हो रही है यहाँ पे, और सेव हो रही है इसका मतलब है कि ये हमारी इनपुट डिवाइस है, ओके। तो अभी प्रिंटर के बारे में बात आएगी, तब प्रिंटर के बारे में बात करते हैं थोड़ा। प्रिंटर सिमिलर जैसा लग जाता है हमें कभी कभी, स्कैनर और प्रिंटर। बारकोड रीडर, तो बारकोड रीडर क्या होता है कि स्कैनिंग की एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारा बारकोड पढ़ने के लिए काम आती है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे एक हमारा बारकोड दिया हुआ है, बारकोड आपने कई जगह देखा होगा, मॉल में जाते होंगे वहाँ भी दिया हुआ, और हर एक प्रोडक्ट पर, लगभग सभी प्रोडक्ट में बारकोड आता है। तो यहाँ पर इस बारकोड में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन छिपी हुई होती है, चाहे प्राइस की बात करें, चाहे प्रोडक्ट की डिटेल की बात करें, कोई ना कोई चीज़ छुपी होती है, वो इस मशीन के द्वारा, बारकोड मशीन के द्वारा ही वो देखी जा सकती है, ओके। जैसे ही आप इसको, इस पर क्लिक करते हो, इस मशीन को बारकोड पर क्लिक करते हो, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें पीसी में दिख जाती है। बारकोड ऐप भी आप अपने ऐप में आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। ऑप्टिकल मार्क रीडर की बात करें, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हमारी OMR शीट, आप देखो यहाँ पर देख पा रहे हो कि OMR शीट है। OMR में क्या होता है, छोटे 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 ये बबल्स होते हैं जिसको आप फिल करते हैं, आपने कई बार एग्जाम भी दिए होंगे, नाइन्थ में आ गए हैं तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम तो आपने दिए होंगे, तो ये छोटे छोटे बबल्स आप करते हो यहाँ पर, तो इनको जब फिल करते हो तो फिल करने के बाद जब ये चेक होने जाते हैं, जब इनके चेकिंग होती है, तो चेकिंग करने के लिए हमें एक OMR रीडर, मतलब एक इस मशीन की आवश्यकता होती है। तो इस मशीन में जब हम इसको इनपुट कराते हैं, तो इनपुट कराने के बाद कितने ही सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं, उसका आंसर एक बार में मिल जाता है। अगर इसको कोई ह्यूमन, मतलब कोई अगर इंसान इसको वन बाई वन चेक करे, तो वहाँ प्रॉब्लम बहुत आने वाली है, इसके लिए इस मशीन का यूज किया गया है, ओके। समझ में आ रहा होगा आपके। और अब बात करते हैं वेब कैमरा, तो वेब कैमरा के बारे में हम ज़्यादा तो बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वेब कैमरा तो आप नॉर्मली यूज कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन ही एक वेब कैमरा ही है आपका, ये एक इमेज के लिए यूज किया जाता है कि आपको इमेज लेनी है या एक वीडियो बनानी है, तो ये वेब कैमरा यूज किया जाता है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, यहाँ पर जॉयस्टिक की बात करते हैं। जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक एक गेम खेलने के लिए डिवाइस होती है ना, ये डिवाइस आपने देखी होगी और गेम भी खेला होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका, तो इस डिवाइस से हम गेम खेल सकते हैं नॉर्मली, और बेसिकली ये गेम खेलने के लिए ही यूज की जाती है। माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन भी आपने देखा होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो माइक्रोफोन है, और माइक्रोफोन ये तो मैंने ये वाला ले लिया है, अभी जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वही मेरे पास एक माइक्रोफोन है जिससे आवाज़ कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रही है, तो इसके थ्रू भी एक मतलब इसके थ्रू भी आवाज़ रिकॉर्ड होती है, तो माइक्रोफोन है। इसके लिए, इसको चलाने के लिए हमें एक नॉर्मली एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, लेकिन आजकल के जो रिकॉर्डिंग के लिए आ रहे हैं उनके लिए किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप जब उसको लगा देंगे तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग करने लग जाएगी। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारी सारी
इनपुट डिवाइसेस थी, मैंने अभी आपको सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइसेस में हम थोड़ा थोड़ा जान लेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस होती क्या है। वे डिवाइसेस जिनके द्वारा हमें रिजल्ट मिलता है। तो आउटपुट डिवाइसेस आर द हार्डवेयर इक्विपमेंट्स यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग कैरिड आउट बाय द सीपीयू। सीपीयू द्वारा कोई भी रिजल्ट दिया जाता है वो आउटपुट में शो होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम लिया हुआ है, आप देख सकते हो, लेकिन इनके बारे में मैंने आगे समझाया तो आगे समझ लेते हैं, और ये थोड़ा डायग्राम बड़े बड़े होंगे। तो बीजू डिस्प्ले यूनिट की बात करते हैं, तो ये आपने देखा होगा टीवी टीवी टाइप का, जब आप कंप्यूटर में, जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर तो अब इतना ऐसा रहा नहीं है कि किसी ने ना देखा हो, सभी ने देखा है। तो जो भी आप काम करते हो हमें कंप्यूटर पर दिखाई देता है, तो ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। ये भी कई प्रकार के होते हैं। प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर अक्सर यूज होने वाली एक डिवाइस है, जहाँ पे हम कई सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करते, बात करते हैं प्लॉटर के बारे में। इसके बारे में डिटेल में बात करना बहुत जरूरी है। प्लॉटर बहुत ज़्यादा ही बोलने वाली चीज़ है कि आप लोग भूल जाते हो आउटपुट डिवाइसेज में। तो आउटपुट डिवाइसेज में क्रिचुअली पाँच चीज़ें हैं और मैंने पाँचों इसमें दिखा दी हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे प्लॉटर की। प्लॉटर क्या होता है कि जो हमारा ये प्रिंटर होता है, ये A4 साइज पेज, A5 पेज, ये प्रिंट करने के लिए यूज होता है। लेकिन जब हम एक बड़ा सा बैनर चाहिए होता है हमें, तो बड़ा बैनर प्रिंट करने के लिए हमें आवश्यकता होती है प्लॉटर की। तो प्लॉटर बड़ा बैनर ही प्रिंट करता है। ओके, तो बड़े बड़े बैनर्स आपको पता चल गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि बड़े बड़े बैनर कहाँ से प्रिंट होते हैं, वो हमारे प्लॉटर से ही प्रिंट किए जाते हैं। स्पीकर की बात करें तो आप म्यूजिक तो डेली टू डेली सुनते ही होंगे, तो ये एक हमारी आउटपुट डिवाइसेस है। और प्रोजेक्टर की बात करें तो प्रोजेक्टर में मूवी तो आप लोगों ने देखी होगी हॉल में, तो और वैसे भी आज जो जो क्लास चल रही है वो प्रोजेक्टर पर ही चलती है। ऑनलाइन क्लास का तो स्कोप अभी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो प्रोजेक्टर पर चलती हैं। तो प्रोजेक्टर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइसेस है जो किसी ना किसी टच होकर आपकी स्क्रीन एक बड़े पर्दे पर शो कराता है। ठीक है, ये प्रोजेक्टर की बात हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या चीज़ है। तो ये तो आपने जब कंप्यूटर चलाया होगा तो सीपीयू आपने देखा होगा। अभी किसी का क्वेश्चन ये तो नहीं है कि सर कंप्यूटर में, सॉरी लैपटॉप में सीपीयू कहाँ होता है, अगर ये क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करना, उसके बारे में बताता हूँ ये कहाँ होता है। तो सीपीयू इज द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर। देखिए, आप अगर कहें कि भाई सर कंप्यूटर में हमारे माउस भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, तो हम बोला कीबोर्ड अगर निकाल देते तो सर कंप्यूटर तो वैसे भी नहीं चला पाएंगे। नहीं, मैं ये कहता हूँ कीबोर्ड निकालने के बाद कंप्यूटर कहीं हद तक काम कर जाएगा माउस के थ्रू, माउस निकालने कीबोर्ड के थ्रू काम हो जाएगा, बट सीपीयू नहीं होगा तो काम नहीं होगा। मान लीजिए आप हैं, है ना, और आपका मान लो ये वाला हैंड निकाल दिया तो आप इस हैंड से काम कर सकते हो, लेकिन जब आपका दिमाग निकाल दिया तो आप किसी काम के रहने वाले नहीं हो। तो सेम टू सेम यहाँ कंडीशन आपके सामने आ जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री कॉम्पोनेंट, इसमें थ्री कॉम्पोनेंट दिए गए हैं। अब बात करते हैं सीयू, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट की बात करें कि यहाँ पर जब सीपीयू काम करता है तो यहाँ पर हर चीज़ एक कंट्रोल के साथ चलती है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट में बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द फ्लो ऑफ द डेटा इन इंस्ट्रक्शन बिटवीन ऑल ओवर द पार्ट्स। जब तक आपस में ये पार्ट हैं ये कंट्रोल बनाए रखते हैं। मान लीजिए जैसे सिस्टम फैन है, इसको हीट, सिस्टम गर्म ना हो, इसको कंट्रोल करता है। और साथ के साथ सबसे बड़ी बात है यहाँ मदरबोर्ड की बात करें, मदरबोर्ड ही एक ऐसा पार्ट है जो सारे इंस्ट्रक्शंस को, सारे कार्यों को आपको सॉल्व करके देता है। ये तो अलग हार्डवेयर डिवाइसेस हैं ही हैं, ये इनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं मदरबोर्ड के बारे में कहूँगा। इसी में रैम होती है, इसी में रोम होती है, इसी में प्रोसेसर होता है। सारी डिवाइसेस हमारे हार्डवेयर के थ्रू होती है, तो सॉरी मदरबोर्ड में ही होती हैं। तो मदरबोर्ड के बिना सीपीयू कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यही हमारा कंट्रोल करता है, सारे हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो भी है किस तरह से क्या करना है, सारा कंट्रोलिंग हमारे सीयू, मतलब सीपीयू का तीन पार्ट में से एक पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट, ये मेन पार्ट है। उसके बाद आता है हमारा ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अर्थमेटिक कोई मैथमेटिकल है, तो यही कहना है इसमें कि यह जितनी भी हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, है ना, वो लॉजिकल ऑपरेशंस हों चाहे सिंपल कैलकुलेशंस हों, वो सारे सॉल्व करने के लिए होता है। जैसे मैंने कहा प्लस है, माइनस है, या फिर मैं कहूँ सब्ट्रैक्ट है, या फिर सॉरी गलत हो गया, सब्ट्रैक्ट क्यों होना चाहिए, प्लस माइनस तो बात, माइनस और सब्ट्रैक्ट बात एक ही है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, मैं डिवाइड की बात करूँगा। तो यहाँ पर आपका ये प्लस है या फिर मल्टीप्लिकेशन, या मैं डिवाइड की बात करूँ, तो ऐसा नहीं कि ये चार ही कैलकुलेशन हो पाएंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारी कैलकुलेशन हमारे किसका काम है, हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का ही काम होता है। ठीक है, हम बात करें मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट, जब तक मेमोरी नहीं होगी तब तक काम कैसे होगा,
ठीक है, जब आप जबके पास आपके पास दिमाग दिमाग देखो आपकी मेमोरी है, जबके पास जब आपके पास अगर दिमाग ही नहीं होगा, माइंड ही नहीं होगा, तो कैसे काम करोगे? मतलब तो यहाँ पर मेमोरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेमोरी की बात करें, मेमोरी यूनिट इज द अमाउंट ऑफ द डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट। तो इसमें कोई भी डाटा, मतलब आपने हमारे कंप्यूटर में कोई भी डेटा रखना है या फिर चाहिए, तो उसके लिए एक स्टोरेज यूनिट की आवश्यकता होती है। मेमोरी यूनिट्स ऑफ ऑल कंप्यूटर इज कंप्राइज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ स्टोरेज। तो दो तरह की हमारी मेमोरी यूनिट होती है, नंबर एक प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये जानना बहुत जरूरी है, फ्यूचर में भी काम आता है, पास्ट में भी आप पढ़ते आए हो। तो प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी आ जाती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि द प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड द मेन मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी ही मेन मेमोरी होती है। इट इज अ स्टोरेज एरिया कंसिस्टिंग ऑफ रैम एंड रोम। भैया इसमें एक रैम लगी होती है, एक रोम होता है, इसके बारे में अभी समझाने वाला हूँ। द सीपीयू डायरेक्टली स्टोर एंड रिट्रीव्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हियर। सीपीयू जो भी इन्फॉर्मेशन लेता है वो रैम से लेता है या रोम से लेता है। मेन पॉइंट तो रैम हो जाती है, रैम हो जाती है, और दूसरी हो जाती है रोम। तो बात करते हैं, सबसे पहले रैम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रैम क्या होता है, तो रैम के मैंने यहाँ पर डायग्राम भी दिया है और डेफिनेशन भी दे दिए, सब क्लियर कर लेते हैं। इट इज वोलेटाइल मेमोरी, मतलब अस्थिर होती है, ये बदलती रहती है। कैसे बदलती रहती है ये बताऊंगा। इट इज यूज टू स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन नीडेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। देखिए ये जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो डाटा को स्टोर कर लेती है और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है। द स्टोर डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। और जो डेटा हमारा लॉस्ट हो जाता है जब टर्न ऑफ हो जाता है कंप्यूटर। देर आर टू टाइप ऑफ रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। देखिए रैम का काम समझ लीजिए, नॉर्मली रैम का काम क्या होता है, रैम का काम क्या होता है कि रैम कुछ पल के लिए, मान लीजिए रैम है, ये कुछ पल के लिए डेटा अपने पास रख लेती है। कैसे रख लेती है, मान लीजिए मुझे अभी एमएस वर्ड की फाइल लेनी थी, ठीक है। एमएस वर्ड की फाइल, जब मुझे एमएस वर्ड की वर्ड फाइल पर काम करना है, वो रैम में चली जाएगी ये फाइल, और यहाँ पे हमारा वर्क होता रहेगा। और ये वर्क कब तक होता रहेगा, जब तक या तो हम इसको बंद ना कर दें, बाई चांस अगर हम पावर ऑफ कर देते हैं तो ये फाइल वापस इसी में ही चली जाएगी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम दे दें कि आपके फोन में आप रैम, कभी आपने देखा होगा कि आप अगर आपके फोन में रैम 2GB है तो आपका फोन हैंग होने लग जाता है। क्यों होने लग जाता है, चलिए बता देता हूं मैं इसकी वजह। आप अभी अपने फोन में व्हाट्सएप चला रहे हैं, ठीक है। व्हाट्सएप चलाने के बाद आपने तुरंत के तुरंत ऐप भी खोल ली, आप उसके बाद आपने कोई प्लेयर खोल लिया, तो ये सारी चीज ओपन करते गए तो क्या हुआ कि व्हाट्सएप है इसकी फाइल इसमें गई, ओके ठीक है, थोड़ी सी जगह फिल हो गई, ऐप की फाइल इसमें गई, उसके बाद प्ले स्टोर की वो प्ले सॉन्ग्स की फाइल इसमें गई। जब 2GB की मेमोरी है तो इसमें ये सारी फाइल जाएंगी तो ये मेमोरी भरने लग जाएगी, और जैसे जैसे ये भरने लग जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, कंप्यूटर सॉरी आपका फ़ोन स्लो होता चला जाएगा। और फ़ोन स्लो हो जाएगा तो आप क्या करते हो, आपने देखा होगा कि आप कुछ ना कुछ एप्लीकेशन को बंद करते हो, फ़ोन को रिस्टार्ट करते हो, और फोन आपका सेम कंडीशन में आ जाता है। तो ये मेमोरी आप समझ गए, तो मतलब जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक के लिए काम कर रही है, कंप्यूटर ऑफ हो गया उसके बाद इसमें जो डेटा था वो वापस हार्ड डिस्क में चला जाएगा या किसी स्टोरेज डिवाइसेस में चला जाएगा। रैम का मतलब आप समझ चुके होंगे। अब हमारी दो रैम होती है, स्टैटिक होती है और डायनामिक होती है। तो अब यहाँ पर दोनों में अंतर है, तो स्टैटिक की बात करें और डायनामिक की बात करें, तो हमारी ये थोड़ी स्लो होती है, ये फास्ट होती है। तो याद रखना, आप याद कैसे आप कैसे रखेंगे कि फास्ट कौन सी होती है, भाई डी के बाद ऐसा आता है, मतलब एस बड़ा है, तो एस बड़ा है तो मतलब फास्ट यही होती है, हमारा लॉजिक यही है, मेरे से तो यही लॉजिक लगा, आपका जो मन लगे वो लॉजिक लेना। तो रैम को आप समझ गए होंगे कि रैम कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, ओके? अब बात करते हैं रोम की। तो ये क्या होता है, रोम मेनली स्टोर इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड बाय अ कंप्यूटर ड्यूरिंग स्टार्टअप। जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इसमें रख दी जाती है। इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मतलब ये स्थिर मेमोरी होती है, इसकी बदली नहीं जा सकती है, ये बदलती नहीं है। इट इज स्टोर द प्रोग्राम बायोज विच इज रिक्वायर्ड टू द इनिशियली बूट द कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर बनाते हैं तो इसमें कुछ प्रोग्राम पहले से डाल दिया जाता है। कौन कौन से प्रोग्राम डालते जाते हैं, तो मैंने अभी बूट की बात कही थी, यहाँ बूट लिखा हुआ, देखा यहाँ बूट लिखा हुआ है, ओके तो ये बूट क्या होता है, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपने कुछ इस तरीके की देखा होगा कि हमारी बूटिंग हो रही है, ठीक है, बूटिंग होना। और फिर उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि आपके कंप्यूटर में बायोज दिया होता है, ठीक है। तो बायोज में ये जितने भी मेन या फिर जो भी हमारे जो भी इंफॉर्मेशन इसमें फिलअप की जाती है, ये हमारी परमानेंट के लिए होती है, ये चेंज नहीं होती है। जब कोई कंप्यूटर बनाया जाता है तो ये मेमोरी इसमें स्थिर रूप से रख दी जाती है और इसको हम किसी हालत में बदल नहीं सकते हैं। हालांकि रोम भी कई प्रकार के होती है, और फिलहाल मैं आपको इस रोम का ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया है, ये हमारी रोम होती है, ठीक है, ये लगी होती है, ये कुछ इसके लैग टाइप, मतलब
टांगे सी होती हैं, इसके पैर से होते हैं, ये हमारे मदरबोर्ड में फंसा दिए जाते हैं और इसमें इंफॉर्मेशन भर दी जाती है। तो रैम कई प्रकार की होती है, कुछ में रैम में डेटा बदला भी जा सकता है, कुछ में नहीं बदला जा सकता है। होप सो कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। देखो प्राइमरी मेमोरी की बात हो गई हमारी, ठीक है, अब सेकेंडरी की मेमोरी की बात करते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है जो हमारे डिवाइस से अलग है। ठीक है, देखो डिवाइस के अंदर जो मेमोरी लगी है वो तो ठीक है, लेकिन डिवाइस के अलग जो मेमोरी है वो हमारी है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। अभी एग्जांपल देंगे, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा एग्जांपल के साथ ही। टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा परमानेंटली वी नीड अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। किसी भी डेटा को आप परमानेंटली स्टोर करना चाहते हो तो हमें सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। अब आप समझ चुके होंगे हार्ड डिस्क आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, सीडी डीवीडी खैर आपको बहुत कम यूज होता है, SD कार्ड है मोबाइल में यूज करते हो, पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क पहले यूज होती थी, ब्लू रे डिस्क है और SSD है, HDD है, ये सारी हमारी क्या है एक्सटर्नल मेमोरी जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसमें हम ये इनका CPU से लेना देना नहीं होता है। आप चाहो तो पेन ड्राइव, सिंपल से पेन ड्राइव का एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे, तो पेन ड्राइव आप कैरी कर सकते हो, इसमें डेटा आपने स्टोर किया और अपनी पॉकेट में रख लिया, जिस दिन आपको जरूरत पड़ी आपने पेन ड्राइव को किसी कंप्यूटर में लगाया हाल फिलहाल, तो पेन ड्राइव आपका अपने मोबाइल में भी लगा सकते हो, एंड्रॉइड में लगा सकते हो, और जितना डेटा को आपको जरूरत पड़ी आपने इसको यूज कर लिया, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। मैंने यहाँ पर देखिए, मैं कंप्यूटर जो हमारा काम करता है वो बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है, लेकिन यहाँ कुछ छोटी छोटी मेमोरी से स्टार्ट होता है। तो पहले मैंने एक बिट की बात कही है, तो बिट तो 1 और 0 है, हालांकि एक निबल से स्टार्ट होता है हमारा यहाँ पर कि सबसे छोटी जो यूनिट होती है निबल होती है, लेकिन मैंने हाल फिलहाल इसे स्टार्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पर कैसे मानेंगे, 8 बिट में हमारा 1 बाइट होता है, 1024 बाइट्स में हमारा 1 KB होता है, ये 1 की सीरीज में है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको एक बार लर्न कर लेना, बस कुछ ज्यादा लर्न नहीं करना है आपको, सीरीज याद करनी है कि सबसे छोटा कौन सा होता है, बिट्स, फिर बाइट, फिर KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB, फिर PB और फिर EB। तो जैसे ही आप इसको याद कर लोगे, सबकी सीरीज आप क्या कॉमन कॉमन देखते जा रहे हो, 1024 है, 1024 है ना, ध्यान बाइट्स के पीछे KB गया, यानी आप देखो ये जो यहाँ जा रहा है वो यहाँ जा रहा है, मतलब यहाँ पर इतने जीरो में 1 KB और 1 MB, मतलब यही सब होता आ रहा है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा और इसको याद भी करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, मतलब इसमें कितना कितना डेटा आ जाता है, तो एक बार इस पर नज़र जरूर डाल लेना, काम आता है इन फ्यूचर में। ठीक है, अब बात करते हैं, हार्डवेयर की बात होगी, अब सॉफ्टवेयर की बात रह गई है। सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उनका सेट होता है, डेटा और प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क, और कंप्यूटर को एक स्पेशल कार्य करने के लिए यूज किया जाता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनके बारे में भी जान लेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम चलाने में मदद करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, और एप्लीकेशन जिस चीज़ के पर्टिकुलर जिस के थ्रू हम काम करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी डिजाइन एज द सॉफ्टवेयर इन द सच एज ए वे सो दैट इट कैन कंट्रोल एंड वर्क द कंप्यूटर हार्डवेयर। देखो कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर इस तरह बनाए गए हैं जिससे कंप्यूटर वर्क कर सके, सिस्टम को चलाने में मदद कर सके। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द एंड यूजर, ये यूजर्स और डिवाइसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। इट कैन बी फर्दर क्लासिफाई एज ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हम इन सबकी थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा डीप में है नहीं है इतना इसमें कुछ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमारे कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा जैसे iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या फिर Windows 7 है, Windows 8 है, Windows 10 है, या फिर Linux है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाल फिलहाल क्रोम को काट दे दूंगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आता है। ओके, अब बात करते हैं ट्रांसलेटर। एक कंप्यूटर हमारी नॉर्मल कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, ये बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, लेकिन यहाँ पर कई ट्रांसलेटर हैं, यानी यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलना है, या फिर यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना है, तो यहाँ ट्रांसलेटर होते हैं, इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होता है और असेंबलर होता है। ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में दिया गया है इसके बारे में डिटेल, तो इस चैप्टर में मैं ज़्यादा खास बात नहीं करूँगा इसके, बस यही है कि हाई लेवल को कभी, अब जैसे हाई लेवल लैंग्वेज है तो ये लो लेवल में कन्वर्ट करता है, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर हाई लेवल लैंग्वेज को ये कन्वर्ट करता है लोअर लेवल लैंग्वेज में, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी लैंग्वेज में या सिमिलर कन्वर्ट करता है। इनकी काफी बड़ी डेफिनेशंस हैं, तो आगे जाके जब हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है तो इसमें हम क्लियर करेंगे कैसे कैसे काम करते हैं। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं,
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को सर्विस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर सिस्टम को सर्विस करते हैं, ऑटोमेटिक सर्विस करते हैं, या फिर मैं कहूँ कि हार्डवेयर को भी ऑटोमेटिक सर्विस करते हैं। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे डाटा को डिलीट करना है, तो ये डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन है, तो है ना, तो ये सब अब डिलीट डाटा डिलीट होता है, जो भी हमारा डाटा, हमारा अनयूजुअल डाटा वो डिलीट करना है। डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन का काम होता है कि हमारे हार्ड डिस्क में डाटा, जैसे कि कोई भी डाटा हमारा दो बार ना हो, यानी एक चीज़ दो बार ना हो, डुप्लीकेट डाटा ना हो, तो इस तरह या सिस्टम क्लीनअप का काम करते हैं। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, यही इनका कार्य होता है कि सिस्टम को इंटरनली सर्विस करते रहें और इसके हार्डवेयर को भी सर्विस करते रहें। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे डिवाइस ड्राइवर। देखो डिवाइस ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे कंप्यूटर में जब भी, जैसे आपने देखा होगा कि हम कभी माउस लगाते हैं तो थोड़ी देर के लिए स्टॉलिंग होती है, या फिर हम कहें कि स्कैनर लगाएंगे, या फिर मैं कहूँ कि हमारे कंप्यूटर में अगर वाईफाई ड्राइवर नहीं है तो वाईफाई ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए हमें एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है, या फिर हम कहें कि यहाँ पर वीडियो ग्राफिक ड्राइवर की भी आवश्यकता होती है। हाल फिलहाल ये ग्राफिक ड्राइवर तो ऑटोमेटिक आता है, अब इतने ग्राफिक ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती है। तो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए कुछ ड्राइवर की आवश्यकता होती है, कुछ आप इनपुट डिवाइसेस को जब कनेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिक कुछ ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं, तो ये हमारी डिवाइस ड्राइवर कहलाते हैं। ओके, होप्सो कि आपके समझ में इतना आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? दीज आर सॉफ्टवेयर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज। ये सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए कार्य किया जाता, यूज किए जाते हैं टू द यूजर, लाइक ए क्रिएट डॉक्यूमेंट, चाहे हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाना हो, या फिर अकाउंटिंग मैनेज करना हो, या फिर फोटो एडिटिंग करनी हो, या वीडियो एडिटिंग करनी हो। तो यहाँ पर मैं सबके एक थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पर मैंने एक एक फिगर लिया हुआ है, एक इमेज ली हुई है कि एम एस ऑफिस है जिसमें हम एम एस वर्ड का काम कर सकते हैं यहाँ पर, और हम एक्सेल का काम करते हैं इस पर, आउटलुक है, पावर पॉइंट है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फोटोशॉप है, फोटो में हम फोटो एडिटिंग करते हैं, ये हमारा मेनली फोटो एडिटिंग के लिए ही काम आता है फोटोशॉप। उसका कोरल ड्रो है, कोरल ड्रो में हम बैनर डिजाइन करते हैं, या फिर बड़े बड़े पोस्टर डिजाइन करते हैं, या टैली है तो टैली में हम अकाउंटिंग का काम करते हैं। तो ये सारे जो काम होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होते हैं। तो गाइज हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आपको कोई टॉपिक समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।